कोरोना वायरस चलते ट्रैफिक सिग्नलों पर नर्सिंग टीम कर रही जनता को जागरूक। आपको बता दें, देश भर में चल रहे कोरोना महामारी से बचने के लिए CMHO द्वारा नर्सिंग स्टूडेंट की टीम शहर के अलग अलग चौराहों पर सिग्नल पर रुकने वाले हर एक आम व खास को कोरोना से बचने की सावधानियां से अवगत करवा रहे हैं, जिससे आम जन भी जागरूक हो रहे हैं। यह टीम अलग अलग ग्रुप में दहली गेट, सूरजपोल, उदयापोल, चटक सर्कल, शाह सर्कल पर कोरोना वायरस को लेकर जानकारियां साझा कर रहे हैं। और यहाँ पे कोरोना वायरस के बारे में हम बताने जा रहे हैं, जिससे यहाँ पे खांसी और बुखार और सांस की प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे हम हैंड वॉश करते समय और लोगों से पर्सनल कांटेक्ट करते समय हमें 1 मीटर की दूरी रखनी चाहिए। इसके बारे में हम ठीक हाँ रेडी। गुड आफ्टरनून, मैं ईश्वर्य वैष्णव, सनराइज कॉलेज ऑफ नर्सिंग, 4th ईयर का छात्र। मेरे कॉलेज के द्वारा एवं कलेक्टर मैडम के द्वारा कोरोना वायरस COVID-19 के कारण तहत कैंपिंग चल रही है। इसके अंदर हमारे कॉलेज के सभी स्टूडेंट कोरोना वायरस की कैंपिंग करें। इसके अंतर्गत हम डेलीगेट पे टीम के अंदर यहाँ पे लोगों को ट्रैफिक सिग्नल के यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं, ताकि कोरोना वायरस से कैसे बचा जाए। इसके तहत हम यहाँ पर ये लोगों को ये बता रहे हैं कि पर्सनल कॉन्टैक्ट 1 मीटर से दूर रखें, अपने रेगुलर हैंड वॉशिंग करें, मास्क का प्रयोग करें और इसके और दूर बचाव ही इसका एकमात्र उपाय है। नर्सिंग से हम कोरोना के लिए राजस्थान गवर्नमेंट की ओर से हम कंपेनिंग कर रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमको खास से चीज के समय ठीक है टिश्यू पेपर का यूज़ करना है। दूसरी चीज़ अपने को कभी भी बार बार हैंड वॉश करना है और एक दूसरे के बीच में बातचीत करते समय या कॉन्टैक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट में आते समय आपको ना 1 मीटर की दूरी रखनी है। इसके बारे में हम ये सारी चीज़ें लोगों को जागरूक कर रहे हैं या ट्रैफिक सिग्नल से। हमने टोटल 5 टीमें लगाई है। 1st टीम है हमारी राणा प्रताप नगर, 2nd टीम है हमारी चटक पे, 3rd टीम है दहली गेट ये यहाँ पर, और 4th टीम रेलवे स्टेशन, 5th टीम हमारी बस उदयपुर बस। सारी जगह पे एक